ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है ना, जिसमें वेरिएशन होगा, नेम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, तो इसको केयर की बजाय आप क्या रखो, वेयर केयर। आप केयर की बजाय इसको रखो वेयर केयर। तो हमने क्या लिखा, नेम, नेम, वेयर केयर। वेयर केयर का फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल कैरेक्टर। अब अगर मैंने 20 रखा तो इसका मतलब यह है ये मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक डेटा अलाउड करेगा, लेकिन यदि आपने 5 कैरेक्टर का भी डेटा दिया तो मेमोरी केवल 5 के लिए ऑक्यूपाइड करेगा, पूरे 20 के लिए नहीं करेगा। तो ये जो DDL कमांड है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये जो कमांड्स हैं ये DDL की कैटेगरी में आती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, डिस्क्रिप्शन, ट्रंकेट कमांड, रीनेम कमांड, और इन सब में हमने कॉमन ये देखा था कि दिस ऑल आर एक्चुअली टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, स्केलेटन ऑफ अ टेबल। लेकिन अगर आपको लगता है इस टेबल को देखने के बाद कि बॉस इस टेबल में अभी हमारी मतलब हमारी नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है, हमने टेबल बना ली लेकिन जिस पर्पस के लिए बनाई थी वो पर्पस हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल बिंदास आप इस टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो यदि मान लो आपको लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना टेबल ड्रॉप तब होगी जब उस टेबल में कोई प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप नहीं होगी। SQL जो है इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब SQL केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब यह है कि SQL की जितनी भी कमांड्स हम पढ़ रहे हैं, आप इसको अपर में लिख दीजिए, लोअर में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर SQL के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज हम लोग करेंगे DDL कमांड्स के बारे में। अब जब मैं DDL कमांड में टेबल क्रिएट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां मुझे डेटा टाइप बताना पड़ेगा टेबल में, फील्ड का उसकी साइज बतानी पड़ेगी, राइट। सो दैट्स व्हाई आई होप कि आपने डेटा टाइप वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और आपको ये पता है कि SQL में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और डेटा टाइप एक्चुअली होते क्या है, गॉट इट। और यहां पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम अभी इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जिस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में देखेंगे वो होगा MySQL। हालांकि आगे मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको इसको पोस्टग्रेस के लिए भी बताऊंगा, इसको हम ओरेकल के लिए भी देखेंगे, लेकिन यहां पर अभी आपको पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि डेटा टाइप जो है वो वेरी करते हैं अगर आप डेटाबेस चेंज करते हैं तो, राइट। क्योंकि ओरेकल के अपने डेटा टाइप है वही, लेकिन नाम डिफरेंट है, क्योंकि हो सकता है जो डेटा टाइप हम MySQL में यूज कर रहे हैं इंट के लिए वो पोस्टग्रेस में किसी और नाम से चलेगा या MS Access में किसी और नाम से एक्सेस होगा। तो ये मैं डे वन से आपको ये बात कह रहा हूं कि जो डेटा टाइप्स हैं उनको लेके डिफरेंस जरूर आता है, कि जब भी डेटाबेस चेंज होती है तो मेनली डिफरेंस आता है डेटा टाइप को लेकर, राइट। लेकिन कमांड्स तो वही रहेंगे, तो चलिए हम MySQL में इन कमांड्स को किस तरीके से रन करेंगे ये बात करेंगे। लेकिन एक बार आप इन कमांड्स को समझ लीजिए फिर मैं आपको इसको हर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करके बताता हूं, राइट। लेकिन स्टेप वन पे अभी हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे MySQL को लेके, और हमारा डेटा टाइप जो होगा वो MySQL डेटा टाइप्स होगा, राइट। तो ये जो DDL कमांड है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये जो कमांड्स हैं ये DDL की कैटेगरी में आती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, डिस्क्रिप्शन, ट्रंकेट कमांड, रीनेम कमांड, और इन सब में हमने कॉमन ये देखा था कि दिस ऑल आर एक्चुअली टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, स्केलेटन ऑफ अ टेबल, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अब यहां पर मुझे एक सिंपल सी, सबसे पहले जाके मुझे MySQL में अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि ये मेरा MySQL का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इस MySQL के सॉफ्टवेयर में मुझे जाके सबसे पहले अपनी एक टेबल क्रिएट करना है, राइट, सॉरी, सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। सपोज मैं डेटाबेस का नाम रखने वाला हूं लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी डेटाबेस में मुझे अपनी एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सपोज स्टूडेंट। और अभी पहली टेबल हम कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी बात नहीं करेंगे, केवल हम बात करेंगे यहां पे कि स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, उसका नाम होगा, ठीक है। अभी मैं कोई की कंस्टेंट भी नहीं बता रहा हूं, रोल नंबर, नाम या स्टूडेंट नंबर, नेम, देन विल टॉक अबाउट मोबाइल नंबर है सपोज इसका, ठीक है, और सपोज हमने ले लिया उसका डेट। चलिए अभी डेट भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको ले लेता हूं सपोज ईमेल, क्योंकि अभी हम सिंपल बात करते हैं यहां पे, या चलो मैं इसको ले लेता हूं जेंडर अभी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो ये मुझे एक टेबल स्ट्रक्चर बनाना है लाइब्रेरी नाम के डेटाबेस में, स्टूडेंट नाम की टेबल, ये मेरा स्ट्रक्चर होगा। अब इसके लिए मुझे क्या कमांड लिखनी होगी, किस तरीके से कमांड लिखनी होगी MySQL में जाके, राइट। तो जब हम MySQL में एंटर करेंगे, आई होप आपने मेरे MySQL के इंस्टॉलेशन वीडियो को समझ लिया है, जहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको MySQL इंस्टॉल करना है इसके बारे में बताया था। तो आप MySQL इंस्टॉल कर चुके हैं, MySQL आपका प्रॉपर रन हो रहा है,
ये मैं मान के चल रहा हूं, और अगर कोई डाउट आता है इंस्टॉलेशन में तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक, तो यहां पर जब हम MySQL को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है MySQL prompt। याद है हमने प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि अगर मुझे MySQL prompt मिल गया है, इसका मतलब यह है कि मैं MySQL के सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली इंस्टॉल कर चुका हूं। डोंट वरी, अभी मैं आपको इसके लास्ट में आपको इसके ग्राफिकल इंटरफेस पर भी लेके जाऊंगा, ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे कुछ MySQL के ग्राफिकल इंटरफेस के बारे में, लेकिन अभी नहीं। पहली स्टेप में अब MySQL को कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करेंगे, राइट। तो ये MySQL प्रॉम्प्ट अगर मुझे मिल गया तो अब मुझे यहां पे क्या करना है, आई नीड टू राइट अ कमांड जिससे मुझे वो टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, लेकिन उसके पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। तो सबसे पहली स्टेप में जब हम डेटाबेस क्रिएट करने की बात करते हैं तो यहां पर सिंपली आई नीड टू राइट अ कमांड क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, तो हमने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस सपोज लाइब्रेरी, ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर बटन, सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर बटन, है ना। एवरी कमांड ऑफ MySQL इज टर्मिनेट विद द सेमीकोलन, कि जब भी आप कोई कमांड लिखेंगे यू हैव टू टर्मिनेट दिस कमांड विद सेमीकोलन, राइट। तो हमने कमांड क्या लिखी, क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी, ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है, दिस इज व्हाट माय डेटाबेस, राइट। अब आप देखिए, जब आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो देखिए एक एग्जांपल समझिए कि ये आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया है लाइब्रेरी नाम का MySQL में, लेकिन इसके पहले सपोज इसमें ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस हैं, सपोज इसमें एक डेटाबेस बना हुआ है होटल के नाम से, इसमें होटल की टेबल्स हैं, राइट। एक डेटाबेस बना हुआ है सपोज हॉस्पिटल के नाम से, मतलब आप एक साथ मल्टीपल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ही MySQL में एक डेटाबेस होगा ऐसा नहीं है, आपके MySQL में हो सकता है मल्टीपल डेटाबेसेस हो, ये हॉस्पिटल नाम का डेटाबेस है, ठीक है, ऐसे अलग अलग डेटाबेसेस और उनमें ये टेबल्स हैं। अब इन सब में आपने अपना एक डेटाबेस अभी बना लिया लाइब्रेरी। अब जब आपने लाइब्रेरी डेटाबेस बनाया तो अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि अब जितनी भी कमांड में टेबल से रिलेटेड लिखने वाला हूं, कि मुझे टेबल क्रिएट करना है, मुझे टेबल में कुछ जो भी कमांड अब आप लिखेंगे वो किस पर इफेक्ट करना चाहिए, लाइब्रेरी डेटाबेस पे, क्योंकि आपने लाइब्रेरी डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, उस डेटाबेस को यूज में लाना पड़ता है, कि जिस डेटाबेस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं आप उसको यूज में लेके आइए। तो डेटाबेस को यूज में कैसे लेके आएंगे हम, तो यहां पर हम MySQL में नेक्स्ट कमांड लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नाम, राइट। तो हमने डेटाबेस किस नाम से बनाई, लाइब्रेरी के नाम से, तो यहां पर हमने लिखा यूज लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसका मतलब है अब जैसे आप ये लिखेंगे ना यूज लाइब्रेरी, आपको एक मैसेज मिलेगा डेटाबेस चेंज्ड। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, डोंट वरी, लेकिन एक बार आप पहले चीजों को समझ लो ताकि प्रैक्टिकल जब हम कोड लिखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो यूज लाइब्रेरी, दिस इज व्हाट द कमांड विच इज यूज टू चेंज द डेटाबेस, कि आपको जब भी डेटाबेस चेंज करना है, जैसे अगर मान लो आपको लगता है कि अब लाइब्रेरी से आपको होटल में जाना है, मतलब डेटाबेस में, ओके, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यूज होटल, ओके। तो जब भी आपको किसी डेटाबेस में को चेंज करना है, सो देयर इज अ कमांड कॉल्ड यूज कमांड, कि अब आपने ये बता दिया कि आप लाइब्रेरी डेटाबेस को यूज करने वाले हैं, ओके। तो जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा डेटाबेस चेंज्ड, ओके। अब मैंने क्या किया यहां पे, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, अब मुझे टेबल बनानी है, राइट। तो टेबल बनाने का सिंटैक्स आप समझना, कि टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है, और आप देखिए क्रिएट मतलब टेबल क्रिएशन में बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, जहां पर हम प्राइमरी की रिलेशनशिप की भी आगे बात करेंगे, फॉरेन की रिलेशनशिप की भी आगे बात करेंगे, रेफरेंसेस कैसे सेट करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रेंट कैसे लगाना है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक ही दिन में पहले ही टेबल में सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छी भली जो चीज समझ में आ रही है वो कंफ्यूज क्रिएट करने लगेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करने लगेगी। और मैं चाहता हूं कि आपको SQL अगर ईजी लग रही है तो ये आखिरी तक ईजी लगे, पहले ही दिन हम पहले ही टॉपिक में सब कुछ एक साथ नहीं इंट्रोड्यूस कर देंगे, पहली स्टेप में आप केवल एक टेबल बनाइए, ठीक है। आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जब आप समझते जाएंगे ना तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आते जाएगा कि चलो टेबल बन गई, अब इसमें कंस्ट्रेंट ऐड करना है, अब ये करना है, करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो यहां पर अभी हमने क्या लिखा, क्रिएट, ये आपको यहां लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, यहां लिख देते हैं क्रिएट टेबल, है ना, सिंटेक्स समझना, क्रिएट टेबल के साथ हमें लिखना पड़ता है टेबल का नाम, कि आपको टेबल किस नाम से बनानी है। तो क्रिएट टेबल का जो सिंटेक्स होता है वो है क्रिएट टेबल, चलिए मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूं, सिंटेक्स हम समझ लेंगे, ये एंटर बटन, क्रिएट टेबल, ये ऊपर वाला, हाँ यहां नहीं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, तो हमने टेबल किस नाम से बनाई, सपोज हमने बोल दिया स्टूडेंट,
क्रिएट टेबल स्टूडेंट, कि आपको जो टेबल बनानी है उसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक। अब यहां पे आपको यहां सिंटेक्सेस का बहुत ध्यान रखना बेटा, राइट। अब आपको बतानी है फील्ड, कि आपको अपनी टेबल में कौन कौन सी फील्ड रखनी है, राइट। तो टेबल क्रिएट करने के पहले हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को समझा है कि फील्ड क्या होती है। ये जो टेबल में होती है ना, ये कहलाती है फील्ड ऑफ द टेबल, ठीक है। ये टेबल की फील्ड है। तो जब हम फील्ड बताते हैं कि टेबल में आपको कौन कौन सी फील्ड रखना है, तो आपने क्या बताया, आपने बता दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फील्ड का नाम SNO, उसका डेटा टाइप, कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस फील्ड, कि आपकी फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा। तो मैंने बोल दिया इसका डेटा टाइप मुझे रखना है इंटीजर, द डेटा टाइप ऑफ दिस फील्ड इज इंटीजर, राइट। तो हमने अगली SNO के साथ क्या लिख दिया, इंट, और ब्रैकेट में आपको बताना है उस फील्ड का साइज, कि आपकी ये जो SNO फील्ड है उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होगी। और आप ध्यान रखिए यहां साइज को लेके बहुत पर्टिकुलर रहना है, बहुत पर्टिकुलर, राइट। क्योंकि अगर आप, आपको पता है कि इसमें जो डेटा आने वाला है वो मैक्सिमम कितना आएगा, अगर आपको लगता है कि डेटा की मैक्सिमम लिमिट 999 है, मतलब मुझे 0 से लेकर 999 तक डेटा स्टोर करना है, देन साइज आप 3 रखिए। यदि आपको लगता है कि आपको डेटा 5 डिजिट तक स्टोर करना है, जब साइज आप 5 रखिए। मतलब सोच समझ के आपको डेटा की साइज रखनी पड़ेगी, और वो आपके आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो हमने यहां पर क्या लिखा, सॉरी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम SNO, डेटा टाइप और साइज अभी मैंने लिख दी सपोज 5, ठीक है। सिंटेक्स समझ में आ रहा है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, देन फील्ड का नाम कॉमा, अगली फील्ड का नाम, कि आपको नेक्स्ट फील्ड क्या रखना है। तो नेक्स्ट फील्ड मैंने बोल दिया नेम। अब आप देखिए, नेम इज ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग, हमने डेटा टाइप पढ़े थे। तो यहां पर आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप चार रख सकते हैं, आप वैरकेर रख सकते हैं, ठीक है, आप टेक्स्ट रख सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी हम नेम की साइज जो रखेंगे, आपको याद है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था चार और वैरकेर में क्या डिफरेंस है, जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था, कि यदि आप फिक्स्ड साइज की लेंथ चाहते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ जो कि फिक्स्ड होगी, कि आपको पता है कि इसमें इतना डेटा तो आएगा ही, जैसे मान लो अगर आपने जेंडर तो एम या एफ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि इसमें एक कैरेक्टर तो आना ही है। लेकिन जहां पर स्ट्रिंग की साइज वेरी कर रही है, कि बॉस किसी के नाम में 5 कैरेक्टर हो सकते हैं, किसी के नाम में 10 कैरेक्टर हो सकते हैं, आप यहां पर यह मान के चलिए कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होंगे। तो यदि मान लो मैंने यह लिख दिया कैर 20, सपोज कि मैंने सोचा नाम में मैक्सिमम कैरेक्टर 20 होते हैं, किसी के भी नाम में मैक्सिमम कैरेक्टर 20 होंगे, तो हमने नेम कैर 20 रख दिया। अब प्रॉब्लम यहां पर आप समझना क्या होगी, यदि आपने नेम कैर 20 रखा, तो सपोज आपने पहला नाम एंटर किया 1, रोल नंबर, मान लो नाम दिया आपने विवेक, अब इस नाम में कितने कैरेक्टर है 5, पर आपका प्रोग्राम, आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, हर नाम के लिए 20 कैरेक्टर फिक्स कर देगी। अब आपने 5 दिए तो रिमेनिंग 50 की मेमोरी वेस्ट हो गई आपकी। तो मान ली अगर आपने 10,000 रिकॉर्ड स्टोर कर दिए, तो आप सोचिए कितना डेटा वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो ऐसे स्ट्रिंग होती है जो चेंज होती है, ये हमने डेटा टाइप के बारे में टाइम भी काफी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से समझ लो, आपकी ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है ना, जिसमें वेरिएशन होगा, नेम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, तो इसको कैर की बजाय आप क्या रखो, वैर कैर, आप कैर की बजाय इसको रखो वैर कैर। तो हमने क्या लिखा, नेम, नेम, वैर कैर, वैर कैर का फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल कैरेक्टर। अब अगर मैंने 20 रखा, तो इसका मतलब यह है ये मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक डेटा अलाउड करेगा, लेकिन यदि आपने 5 कैरेक्टर का भी डेटा दिया, तो मेमोरी केवल 5 के लिए ऑक्यूपाइड करेगा, पूरे 20 के लिए नहीं करेगा। जबकि कैर क्या करता है, कैर जो है वो पूरी मेमोरी एलोकेट कर लेगा 20 बाइट की। अब आपने 5 दिए या 10 दिए, वो मेमोरी वेस्ट कर देगा रिमेनिंग। तो बेटर ऑप्शन ऐसी जगह पे, हां, कैर को कहां यूज करो आप, जहां आपको पता है कि फिक्स्ड इतना डेटा तो आएगा ही। जैसे सपोज आप किसी कॉलेज की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, अब कॉलेज का नाम है उसमें, तो आपको पता है कॉलेज का नाम फिक्स्ड है, इतने तो आएंगे ही कैरेक्टर, मान लो किसी कॉलेज का नाम जो भी है ABCD, तो आपको पता है कॉलेज का नाम तो ABCD आना ही है, एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे और आपको उसमें कॉलेज का नाम लिखना है कहीं पे, तो वहां पर कैर चलेगा, जहां साइज फिक्स्ड है, लेकिन जहां स्ट्रिंग की साइज वेरी करती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वैर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर। हियर वी विल टॉक अबाउट वेरिएबल कैरेक्टर, राइट। तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, SNO, नेम, वैर कैर। अब इसके बाद हमारी तीसरी फील्ड क्या है, मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल को आप अपने हिसाब से, मतलब अगर आपको सपोज कंट्री के साथ भी मोबाइल नंबर लेना है +91, तो आप इसको वैर कैर रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 डिजिट का मोबाइल स्टोर कर रहा है,
She'll go for int 10. ठीक है, तो आपके मोबाइल की जो लेंथ होगी वो 10 डिजिट की होगी, राइट? तो हमने क्या लिख दिया, मोबाइल इंट 10। समझ में आ रही है बात? और अभी मैंने आपको बोला ना, पहली टेबल में हम कोई कंस्टेंट नहीं लगा रहे हैं। आप एक बार प्रैक्टिकली जब चीजों को समझोगे कि जब मैंने रोल नंबर या स्टूडेंट नंबर इंट लिया, लेकिन इसमें मैंने प्राइमरी की नहीं ली, अब आपको समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि यार एक ही जैसे दो रोल नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको प्राइमरी की वैल्यू समझ में आएगी। फिर तो वहां पर हम प्राइमरी की कंस्टेंट ऐड कर देंगे। तो ये पहली टेबल तो हम एक बार एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि किस तरीके से टेबल का सिंटेक्स होता है, राइट? क्योंकि इसमें भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे अभी आगे, राइट? मतलब अपने आप में क्रिएट कमांड ही अपने आप में एक ह्यूज कमांड है जो मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर या स्टूडेंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, और लास्ट फील्ड थी हमारी सपोज जेंडर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया मान लो जेंडर, और जेंडर की साइज को हमने कर दिया कैर 1 सपोज, है ना? अपन बात कर रहे हैं अभी मेल या फीमेल के फॉर्मेट में इसको स्टोर करने की, तो हमने इसको रख दिया कैर 1, है ना? मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं। सिंटेक्स आप प्रॉपर समझिए, आप जेंडर कैर 1। और आपको याद है मैंने आपको बोला था SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। SQL केस सेंसिटिव नहीं है। SQL लैंग्वेज जैसे सी अगर आपने पढ़ा है, जावा अगर आपने पढ़ा है, पाइथन अगर आपने पढ़ा है, तो दैट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब आप अपर लोअर में वहां पर कमांड चेंज कर देंगे तो एरर आ जाएगी। अगर आप सी में प्रिंट एफ में पी कैपिटल लिख दोगे तो एरर आ जाएगी। अगर आप जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में सिस्टम का एस स्मॉल लिख दोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है। लेकिन मैंने डे वन पे आपको बोला था SQL और C++ जावा का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये अपनी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसको केवल और केवल कम्युनिकेट करना है डेटाबेस के साथ। SQL इज नॉट अ जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसको आप मल्टीपल डोमेन में यूज कर रहे हैं। इट इज ओनली फोकस्ड ऑन डेटाबेस कम्युनिकेशन, राइट? तो इट इज SQL जो है, इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब SQL केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब यह है कि SQL की जितनी भी कमांड्स हम पढ़ रहे हैं, आप इसको अपर में लिख दीजिए, लोअर में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो मैं क्रिएट को अपर में भी लिख सकता हूं, टेबल को मिक्स मोड में भी लिख सकता हूं, लेकिन आप एक किसी फॉर्मेट को फॉलो करें। अगर आप स्मॉल लिख रहे हैं तो स्मॉल फॉर्मेट को फॉलो करें। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट? तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट दिस सेमीकोलन, प्रेस एंटर बटन। यदि आपका पूरा सिंटेक्स प्रॉपर है, आपने क्रिएट की स्पेलिंग सही लिखी है, आपने कॉमा प्रॉपर लगाए हैं, ठीक है, अगर सब कुछ सही है, तो बाकायदा आपको मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड, क्योंकि एक सिंपल सी टेबल अभी हमने क्रिएट की है। ठीक है, अगर आपकी टेबल क्रिएट हो गई तो बधाई हो, पहली टेबल आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है, राइट? तो ये टेबल आपकी अगर क्रिएट हो गई है, अब मुझे क्या करना है इस टेबल का, ये टेबल मेरी बन गई सपोज, राइट? और अभी तो टेबल आपकी केवल ऐसी खाली बनेगी जिसमें ना कोई कंस्टेंट होगा, नथिंग, राइट? ना कोई रिकॉर्ड, केवल एक टेबल का स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया है डेटाबेस में, राइट? तो अगर ये टेबल आपकी रेडी हो गई है, आई होप आप कमांड समझ गए हैं कि आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, उसको यूज में लाना है, फिर आपको टेबल को क्रिएट करना है। और अभी इसमें ये होगा कि अगर आप स्टूडेंट नंबर जब रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो 101 में 10 बार भी दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि स्टूडेंट नंबर यूनिक फील्ड होती है, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है। आपका यूनिवर्सिटी में आपका अकेले का एनरोलमेंट नंबर है और वो आपका अपना है। मेरा आधार कार्ड मेरा अपना है, ये किसी और का नहीं हो सकता इंडिया में। मेरा ईमेल आईडी मेरा अपना है, मेरा मोबाइल नंबर मेरा अपना है। ये यूनिक कीज होती हैं और वो यूनिक की यहां पर अभी एक भी नहीं है। ये मोबाइल भी यूनिक नहीं है। अगर आप मोबाइल भी डुप्लीकेट दे दोगे तो वो चलेगा, मतलब दो मोबाइल दे दोगे, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई कंस्टेंट नहीं लगाए हैं, ना प्राइमरी की कंस्टेंट, नथिंग। ठीक है, जो अपन स्टेप टू पे बात करेंगे। ओके, तो अब ये मेरी टेबल अगर क्रिएट हो गई है तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस टेबल का स्ट्रक्चर एक बार देखना है कि मेरी जो टेबल क्रिएट हुई है वो टेबल जैसी मैं चाह रहा था वैसी प्रॉपर क्रिएट हुई या नहीं। ओके, तो हमने एक कमांड देखी है DDL में, ये तो क्रिएट कमांड अभी हमने देखी। द सेकेंड कमांड ऑफ DDL इज DES, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल, डिस्क्राइब द टेबल, कि मुझे टेबल को डिस्क्राइब करना है कि बॉस मेरी टेबल प्रॉपर बनी या नहीं बनी। टेबल तो बन गई, मैसेज भी आ गया टेबल क्रिएटेड, लेकिन अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ टेबल, देन हियर यू हैव टू राइट अ कमांड DESC student। जब ये लिख के मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा आफ्टर सेमीकॉलन, तो बाकायदा मेरे सामने एक ऐसी टेबल आएगी और उस टेबल में यहां पर आपको ऊपर लिखा रहेगा फील्ड,
ठीक है, समथिंग लाइक दिस, फील्ड डेटा टाइप साइज, ठीक है, इस तरीके से आपको एक टेबल मिलेगी। इस टेबल में आप देखिए जो आपने यहां फील्ड के नाम दिए, हमने फील्ड का नाम क्या दिया, SNO, नेम, मोबाइल, जेंडर, तो बाकायदा यहां पर आपको मिल जाएगा SNO, नेम, मोबाइल, जेंडर, ठीक है। जो आपने डेटा टाइप दिए वो डेटा टाइप यहां पर आ जाएंगे, इंट, वेर, केयर, ठीक, इंट, वेर, केयर, मोबाइल का टाइप इंट, जेंडर केयर, और इनके साइज आपको मिल जाएंगे यहां पे, इंट के साइज आपने क्या दी है, ठीक। मतलब दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल, आप एक बार पूरे स्ट्रक्चर को देख ले, आपने ये टेबल को डिस्क्राइब कर दिया, अगर कुछ कंस्टेंट है तो कंस्टेंट आ जाएंगे, नॉट नल जो अभी हमने नहीं दिए, प्राइमरी की कंस्टेंट, प्रैक्टिकली देखेंगे समझेंगे, चिंता की बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाओ आप बस, राइट। अब अगर आपने ये टेबल का स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर देखने के बाद अगर आपको लगा आपने क्या किया, आप सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप प्रोग्रामर, इस टेबल को आप बना रहे हो, अब आपका जो टीम लीड है या आपका जो भी नेक्स्ट स्टेप पे बॉस है जो इस टेबल को अप्रूव करेगा, उसके बाद इसके एप्लीकेशन में यूटिलिटी स्टार्ट होगी, या आप खुद ही मान लो बॉस है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन में टेबल बना रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल है ये कि मान लो आप ये टेबल आपने देखी और उसके बाद आपको खुद लगा कि नहीं यार टेबल का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा है, बना ली है आपने जब इसको अप्रूवल के लिए दिया, तो इसमें मल्टीपल चेंजेस, देखिए छोटे बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस टेबल इज कंप्लीटली रॉन्ग टेबल एंड इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो एक ऑप्शन तो यह है कि आप इस टेबल में चेंजेस कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको अल्टर कमांड बताई है। लेकिन अगर आपको लगता है इस टेबल को देखने के बाद कि बॉस इस टेबल में अभी हमारी मतलब हमारी नीड ही फुलफिल नहीं हो रही, हमने टेबल बना ली लेकिन जिस पर्पस के लिए बनाई थी वो पर्पस हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल बिंदास आप इस टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो यदि मान लो आपको लगता है, लेकिन यह ध्यान रखना टेबल ड्रॉप तब होगी जब उस टेबल में कोई प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप नहीं होगी, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अभी बिल्कुल आप बिगिनर हैं, तो आप इन रिलेशनशिप के बारे में, इन कंस्टेंट के बारे में अभी थॉट प्रोसेस मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अभी आगे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप अपनी टेबल को ड्रॉप करने की कोशिश करें जो आपने प्रीवियसली कभी कभी कहीं बनाई हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि उसमें अगर कोई कंस्ट्रेंट रहा, प्राइमरी की टेबल का कंस्ट्रेंट है फॉरेन की के साथ, तो जब तक आप वो रिलेशनशिप को हटाएंगे नहीं तब तक टेबल ड्रॉप नहीं होगी। मतलब जिस टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन मेंटेन होते हैं, वहां पर पहले आपको उस रिलेशन को ड्रॉप करना पड़ता है, उस रिलेशन को ब्रेक करना पड़ता है, उस कंस्ट्रेंट को ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद आपकी टेबल ड्रॉप होती है, राइट। लेकिन इसीलिए मैंने अभी स्टेप वन पे आपको कोई कंस्ट्रेंट के बारे में बात नहीं की, राइट। तो हम बाकायदा बिल्कुल यहां पर एक कमांड लिख सकते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, तो मैंने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, यदि मैंने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो बाकायदा आपको मैसेज मिलेगा टेबल ड्रॉप्ड, और अगर एक बार टेबल ड्रॉप्ड हो गई या नहीं हुई, अगर आपको पता करना है कि आपकी टेबल ड्रॉप्ड हो गई, ये मैसेज आएगा टेबल ड्रॉप्ड। अगर टेबल ड्रॉप्ड हो गई तो आप फिर से काम करिए, यहां पर एक कमांड लिख के देखिए, वही DESC कमांड, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट। अब जब टेबल है ही नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा, इफ यू डोंट हैव द टेबल, तो बाकायदा मैसेज आएगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर आपकी टेबल एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब है वो ड्रॉप हो चुकी है। तो ये जो स्टेप अभी हमने देखी है, आप देखिए, अब क्वेश्चन है सर आपने अल्टर क्यों नहीं बताया, अरे देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन विद अल्टर ऑल्सो, क्या आपको अल्टर क्या क्या करना है, ठीक है। इसीलिए मैं इसके जस्ट बाद जो वीडियो बनाने वाला हूं, या इसके जस्ट बाद जो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, वो केवल अल्टर की बात करेंगे, क्योंकि अल्टर के साथ आपको नई फील्ड ऐड करना है, आपको एग्जिस्टिंग फील्ड का नाम बदलना है, आपको उसकी साइज बदलना है, आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, कॉलम बदलना है, मान लो आपने कॉलम ले लिया SNO के नाम से, लेकिन आपको बोला था कि यार इसको रखना रोल नंबर RNO, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम अल्टर कमांड के साथ चेंज कर सकते हैं। आप साइज चेंज करना चाहते हो, आपको फील्ड का नाम बदलना है, सो ये सारे ऑप्शंस अभी हम अल्टर के साथ देखेंगे, नई फील्ड ऐड करना है, एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना है, तो ये जो ऑप्शंस हैं ऐड, मॉडिफाई, कॉलम चेंज, ये सब अल्टर के साथ हम लोग देखने वाले, और वो अपने आप में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए उसको हम एक साथ सबको मिक्स नहीं कर रहे हैं। अभी हमने सिंपल तीन कमांड की बात की कि वो टेबल क्रिएट करना है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, सो विल गो फॉर क्रिएट कमांड, जहां पर हमने क्रिएट कमांड के सिंटेक्स को समझा, और अभी तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन वंस यू क्रिएट द टेबल, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया कि बॉस आपको डेटाबेस क्रिएट करना है,
डेटाबेस को यूज में लाना है, उसके बाद टेबल को क्रिएट करना है। एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ टेबल, अगर आपको अपनी टेबल देखनी है, देन यू विल जस्ट गो विद दिस डीएससी कमांड, सो दैट दिस टेबल इज डिस्क्राइब्ड। तो आप टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एंड आफ्टर दिस, अगर आपको लगता है कि दिस टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप इस टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। देयर इज अ सिंपल कमांड कॉल्ड ड्रॉप टेबल। यहां पर हमारी कोशिश यही है कि आप एक बार इस कोर्स को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन एसक्यूएल। और जल्दी नहीं करना है, शॉर्टकट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। केवल चार कमांड पढ़ लेना एसक्यूएल पढ़ना नहीं होता है। इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू नो द एसक्यूएल कॉन्सेप्ट, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, आप जल्दी मत करिए किसी भी कोर्स को। जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो डोंट बी हरी, बिल्कुल जल्दी में कहां पहुंचना है, पहुंचना तो है लेकिन क्यों जल्दी कर रहे हैं आप। जल्दी में अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे और वही इंटरव्यू में पूछ लिए, क्योंकि ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट तो अभी इसके बाद आने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इस कोर्स को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कहीं कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। बट ये ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी क्वेरी यहां पर आपको बता रहा हूं, इन सब का एग्जीक्यूशन हम करने वाले हैं MySQL में। जब डेटाबेस बदलेगा तो थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है, डेटा टाइप को लेके जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।